और मैं पश्चिम बंगाल के जयगांव में रहता हूँ और मित्रम में मैं सलाहकार की भूमिका में हूँ। ऐसे में ग्रैंड मास्टर की पोस्ट तक अपनी सेवाएं दिया हूँ। साक्षी प्लीज आप वीडियो में वीडियो मोड में रहें, आपकी बॉडी लैंग्वेज को भी देखा जा रहा है जी। तो ये मेरा छोटा सा परिचय है, मैं यहाँ एक छोटा व्यापारी हूँ और आज आप लोगों से बात करने का सौभाग्य मिला। बड़ी अच्छी बात है हमारे लिए कि भाई आज हमारे साथ यूथ चल रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। जैसा कि आपने सब सुन चुके होंगे, मित्रम एक ऐसे कोई एनजीओ भी नहीं है, ये कोई संस्था भी नहीं है, ये एक किस्म का ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और वर्ल्ड लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत सारे लोगों के साथ में मिलके अपना काम करता है। तो इसमें कुछ ऐसी चीजें नहीं है कि भाई हम लोग केवल और केवल खाली क्राइम ब्यूरो का काम करते हैं। हमारे पास मित्रम का एक थाना सेल भी चलता है जिसमें हम लोग अपनी शिकायतें करते हैं और उस पर काम होते हैं। बहुत सारे आदमी इसमें काउंसलर भी मिलेंगे, बहुत सारे आदमी आपको इसमें टीचर भी मिलेंगे, बहुत सारे आदमी इसमें आपको पेरेंट्स भी मिलेंगे, बहुत सारे आपको दूसरी एडवाइजिंग देने वाले भी मिलेंगे। इसमें हर किस्म के आदमी रहते हैं। तो आज आपसे हम सबसे पहले बात करने से पहले मैं आपका पूरा परिचय चाहूंगा, आप अपना फुली परिचय दीजिए। आप तो क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ रहे थे, अगली बार क्वेश्चन तुमको पूछना है। मेरा नाम साक्षी है, थोड़ी देर रुक के क्वेश्चन पूछ रहे थे। मेरी फैमिली में तीन और हैं, मेरे अलावा मेरे पेरेंट्स और मेरा एक छोटा भाई। उसके अलावा मैं 2021 में ग्रेटर नोएडा आई थी, यहाँ पे ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने गलगोटिया यूनिवर्सिटी, मैंने बीकॉम ऑनर्स परस्यू किया है। वहाँ से फिर मेरी प्लेसमेंट हो गई, तो मैंने कोटक महिंद्रा बैंक में जॉब भी करी है 7 महीने, बट उसके बाद मैंने जॉब छोड़ी सिर्फ इसलिए कि मुझे आगे पढ़ाई भी करनी थी। इसलिए अभी मैं कैट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, आगे मुझे MBA करनी है और कैट के अलावा मैं दूसरे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को टारगेट कर रही हूँ। और मित्रों से मेरी जान पहचान इस वजह से हुई क्योंकि मैं दीप सर से मिली थी एंड दीप सर ने मुझे बताया मित्रम के बारे में और मुझे काफ़ी प्रोडक्टिव आइडिया लगा। और खासकर जो अभी हाल ही में मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुए थे उसके बाद मुझे लगा इसके साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा होता अगर उस टाइम पे मैं मित्रम से जुड़ी होती तो मेरे लिए चीज़ें काफ़ी ईजी होती, मैं उस टाइम पे विक्टिम नहीं होती। और अभी तो मैं एक दूसरी जगह पे मूव कर गई हूँ, वो जगह छोड़ दी मैंने और मेरे ख्याल से उस लड़की ने भी वो जगह छोड़ दी होगी क्योंकि उसको भी ओनर ने बोल दिया था छोड़ने के लिए। तो चलिए धन्यवाद, कोई बात नहीं है। ये लड़कियां तो ऐसी होती हैं कि भाई एक लड़की में आपने जो देखा वो लड़की कुछ वो नहीं, उसकी मानसिकता जो है वो खराब है, लड़की को हम खराब नहीं कह सकते। और ऐसी मानसिकता के आदमी बहुत सारे मिल जाएंगे आपको समाज में और हमारा काम यही है कि उस मानसिकता को सुधार के और मुख्य धारा में लेके आए, चाहे कोई भी कैसा भी हो उसको थोड़ा सा मुख्य धारा में लाना हम लोगों का काम है। हम लोग निस्वार्थ किसी की भी सेवा करते हैं या किसी का भी के लिए भी काम करते हैं और हिडन रूप से करते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता है कि काम हो रहा है, काम हो जाता है। तो आगे चल के आपका क्या करने का एम है, एक ये बात है और उसके साथ में दूसरा ये बात रहेगा कि भाई आपको खाली हमारे दीप सर से मिलके ही इस बारे में कुछ रुझान हुआ या आपने पहले से कोई ऐसा प्लान बना रखा था कि मेरे को भाई कुछ सोशल इस एरिया में मेरे को कुछ काम करना है या मेरे को कुछ पढ़ना चाहिए? सोसाइटी के लिए कुछ करना ये तो मैं करना चाहती थी लेकिन अभी नहीं। मेरा प्लान था थोड़ा मैं अपना खुद को टाइम दूं, अभी पढ़ाई में टाइम दूं, उसके बाद मैं करूंगी, ऐसा मेरा प्लान था।
बट एक ये जब इंसिडेंट मेरे साथ हुआ उसके बाद मुझे लगा कि काश मैं इस सोसाइटी का पार्ट होती, तो इस वजह से भी ये भी एक रीजन था. और दूसरी चीज ये जिस तरह से दीप सर ने मुझे बताया था, जिस तरह से आप लोग ना सिर्फ क्राइम से फाइट करते हैं बल्कि लोगों के डिप्रेशन से भी फाइट करते हैं, अगर इस आइडिया को हम फैला सके, अगर इस आइडिया पे हम काम करें और देश का हर एक इंसान इस चीज को जाने, तो एक बहुत ही बड़ा चेंज आ सकता है इंडिया में, और हम इंडिया को बाकी की कंट्रीज. हेलो हेलो हेलो.